दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसके बारे में ना तो आज तक आप लोगों ने सुना होगा और सोचना तो बहुत दूर की बात है, चाहे आप लोगों ने 300-400 फिल्में देखी हो, पर आप इस मूवी की कहानी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। एंड में जो होगा उसे देखकर आपकी फटकर 64 हो जाएगी, ये मेरा वादा है। हम देखते हैं एक मैरिड कपल को, फीमेल का नाम केट है, मेल का नाम जॉन है। केट का नौवां महीना चल रहा है तो ये लोग हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ केट नर्स को बताती है कि ये इसका तीसरा बच्चा है। तभी थैली फट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, जिससे ये फूट फूट कर रोने लगती है। अब कहानी बढ़ती है 3-4 साल आगे। केट का रिहैब ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि उस हादसे के बाद से ये ज्यादा शराब कंज्यूम करने लगी थी। केट डॉक्टर ब्राउनी को बताती है कि ये लोग जल्द ही एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाले हैं। इसके बाद ये अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है, जो कि गूंगी बहरी है। इसी रात केट मैक्स को सुलाने के लिए उसके रूम में जाती है। मैक्स कहती है हम नई बहन को लेने के लिए कब जाएंगे। केट के दूसरे बच्चे का नाम डैनियल है। आगे केट अपने बेडरूम में जाती है और जॉन से अडॉप्शन के बारे में बात करती है। कहती है मैं अपने तीसरे बच्चे का प्यार एक ऐसे बच्चे को देना चाहती हूँ जिसे प्यार की जरूरत है। तो कुछ दिन बाद ये एक अनाथालय जाते हैं जहाँ पर ये सिस्टर एबिगेल से मिलते हैं। सिस्टर कहती है अंदर जाओ और चूज कर लो। केट पहले फ्लोर पर रुक जाती है जहाँ बच्चे खेल रहे थे। जॉन ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहाँ एक लड़की एस्टर पेंटिंग कर रही थी। ये कहती है मेरी सभी पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ कहानियां हैं। जॉन इसकी मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस हो जाता है। अब ये लोग भी रूम में आ जाते हैं। जॉन एस्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। ये बताती है कि आज तक किसी ने भी इससे इतनी ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि ये औरों से डिफरेंट है। केट को एस्टर बहुत पसंद आती है। ये एबिगेल से उसको अडॉप्ट करने की बातें करते हैं। सिस्टर एबिगेल बताती है ये मूल निवासी रशिया की है। इसकी फैमिली की अमेरिका में एक घर पर आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, पर जो भी हो ये लड़की बहुत कमाल की है। अब ये लोग 3 हफ्ते बाद आते हैं और एस्टर को अपने घर ले जाते हैं, जहां रास्ते में केट एस्टर को साइन लैंग्वेज सिखाती है। ये लोग घर पहुंचते हैं। मैक्स बहुत एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए। एस्टर साइन लैंग्वेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। केट बताती है मैक्स को ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता, पर ये लिप्स रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेती है। अंदर हम देखते हैं दादी भरभंडा और डैनियल को। सभी लोग एस्टर को गिफ्ट दे रहे थे सिर्फ डैनियल को छोड़कर। ये उससे चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो उसके पिता से बार बार चिपक रही थी। अब डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में जाता है जहां पर ये नंगी पुंगी मैगजीन देखकर अपनी मूंगफली को हिलाते हैं। अब रात हो जाती है तो केट जॉन का लेने के लिए बेडरूम में जाती है और जॉन से कहती है जान तू नाखुश क्यों है, क्यों लगे कम तेरी आग बुझी बुझी क्यों है, पहले तो बिन बताए घुसेड़ देता था, अब तेरा हथियार ढीला ढीला क्यों है। जॉन कहता है पहले तो तू आती थी बिना कुछ बताए, अब ना जाने तू घबराए क्यों है, दूर खड़ी तू ना जाने इतनी शर्माए क्यों है। और अपना लोवर नीचे करके कहता है आजा मेरी टांगों के बीच में, मुंह में डालकर गिनूंगा तेरे दांत, फिर कहेगी जान तेरा हथियार इतना कड़क कड़क क्यों है। अब ये जॉन का हथियार चूसने लगती है तभी एस्टर और मैक्स इनके बेडरूम में आ जाती हैं। पूछती है क्या हम आप लोगों के साथ सो सकते हैं क्योंकि बिजली कड़क रही है और हमें डर लग रहा है। एस्टर जाके जॉन के साथ चिपक कर सो जाती है। अगले दिन सभी लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पर एस्टर एक फैंसी ड्रेस पहनकर आती है। बच्चे इसको देखकर हंसने लगते हैं। एस्टर कहती है तुम ही ने तो कहा था अलग दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोग स्कूल पहुँचते हैं जहाँ पर टीचर उसे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है। एक बच्ची इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे फैंसी ड्रेस वालों का मैसेज आया है, उनको अपनी ड्रेस वापस चाहिए। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। आगे डैनियल छोटी छोटी बॉल को थ्रो करने वाली गन से खेल रहा था जिससे वो एक कबूतर को घायल कर देता है। तभी एस्टर और मैक्स भी यहाँ आ जाते हैं। एस्टर डैनियल को एक बड़ा सा पत्थर देती है, कहती है इसे दर्द से मुक्ति दे दो, लेकिन ये ऐसा करने से मना कर देता है। अब ये कबूतर को दर्द से मुक्ति देने के लिए उस कबूतर की चटनी बना देती है। आगे हम देखते हैं एस्टर के लिए जाती है। केट एस्टर के रूम में लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने जाती है जहाँ पर उसके हाथ लगती है एक बाइबल जिसके अंदर उसे आदमियों की फोटो मिलती है। हम स्कूल में देखते हैं एस्टर की वजह से डैनियल का सभी बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो वो उसकी बुक्स को नीचे गिरा देता है। एस्टर अपनी बाइबल को उठाती है तभी एक बच्ची उसकी बाइबल पर हाथ मारती है जिससे उसके सारे पन्ने फर्श पर फैल जाते हैं। एस्टर उन सभी को इकट्ठा करती है तभी एक बच्ची कहती है ओ लिटिल डोगी क्या ये तुम्हारा पट्टा है, जिससे एस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आगे केट एस्टर को पियानो प्ले करना सिखाती है और पूछती है आज स्कूल में जो हुआ क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहोगी।
एस्टर कहती है इसमें बात करने जैसा क्या है। केट एस्टर को अपनी स्क्रैप बुक दिखाती है जिसके अंदर उसने अपनी फैमिली और बच्चों की फोटो लगाई थी। एस्टर फेक स्माइल देती है। ये केट से उसके खोए हुए बच्चे के बारे में बात करती है जिसकी मौत पैदा होते वक्त हो गई थी। केट इसको सब कुछ बताती है, कहती है मैंने अपने बच्चे की राख और अस्थियों को इस गमले में डाल दिया जिसमें इसने व्हाइट रोज के पौधे लगाए हैं। रात में डिनर खत्म होने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं तो किचन में ये दोनों रासलीला करते हैं। एस्टर इनको अंधेरा कायम करते हुए देख लेती है। अगली सुबह कैट एस्टर से उस रात के बारे में बात करने के लिए जाती है जहाँ पर ये कहती है मैं जानती हूँ तुम कल रात अंधेरा कायम कर रहे थे। बाद में इस बारे में केट जॉन से बात करती है। जॉन कहता है उसने कहीं पर ऐसा सुना होगा या उसने पढ़ा होगा, वरना इतनी छोटी सी बच्ची को अंधेरा कायम करने के बारे में क्या ही मालूम। जॉन मैक्स और एस्टर को झूला झुलाने के लिए पार्क में ले जाता है जहाँ पर एक पड़ोसन आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। हम देखते हैं उसी बच्ची को जिसने स्कूल में एस्टर के गले के पट्टे को छुआ था, जिसका बदला लेने के लिए एस्टर उसे ऊपर से धक्का दे देती है जिससे इस छोटी बच्ची का पैर टूट जाता है। एस्टर को ऐसा करते हुए मैक्स देख लेती है। डाइनिंग टेबल पर जॉन मैक्स से पूछता है क्या हुआ था। मैक्स कहती है वो फिसल गई थी। अगले दिन ये तीनों सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ पर केट के पास सिस्टर एबिगेल की कॉल आती है। एस्टर उनसे बात करने से मना कर देती है। अब केट साइड में आकर उनसे बात करने लगती है जहाँ पर वो सिस्टर एबिगेल से सब कुछ बताती है जो भी उनके साथ घटित हो रहा है। मैक्स अपनी मोम के लिप्स रीड करके एस्टर को बताती है। इसी रात एस्टर एक नंबर का मजेदार पियानो बजाती है। ये देख कर केट हक्की बक्की रह जाती है। पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें पियानो प्ले करना नहीं आता। एस्टर कहती है मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहती थी। अब एस्टर को लेकर जॉन और केट के बीच में बहुत बुरी तरह से बहस होने लगती है। एस्टर दूसरे रूम से इन दोनों की बातें सुन रही थी जिसमें इसको बहुत मजे आ रहे थे। अगले दिन सिस्टर एबिगेल इनके घर आती है जिसे देखकर एस्टर के तोते उड़ जाते हैं। सिस्टर इन दोनों से बात करती है, कहती है एस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। कहती है हमारे पास एस्टर का कोई पुराना रिकॉर्ड्स नहीं है। केट कहती है मुझे तो शुरू से ही ऐसा लगता था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जॉन को लगता है कि ये ओवर रिएक्ट कर रही है। कहता है अगर तुम्हारी जिद है तो हम इसे थेरेपिस्ट के पास लेकर जा सकते हैं, बस तुम ओवर रिएक्ट करना बंद करो। जॉन एस्टर की साइड इसलिए ले रहा था क्योंकि वो जॉन को अपना अच्छा वाला रूप दिखाती थी और केट को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। एस्टर ऐसा क्यों कर रही थी ये आपको इस कहानी के खत्म होते होते मालूम हो जाएगा, जिसे सुनकर आपके होश ही नहीं तोते भी उड़ जाएंगे। ये सारी बातें एस्टर भी सुन रही थी। वो मैक्स के पास जाकर उस ट्री हाउस की चाबी मांगती है जहाँ पर उसे इस सेफ की चाबी मिलती है जिसके अंदर पिस्तौल रखी हुई थी। ये सारी बुलेट निकाल देती है सिर्फ एक बुलेट को छोड़कर और मैक्स पर तान देती है। पूछती है क्या तुम खेलना चाहोगी। मैक्स डरती डराती ना में सर हिलाती है। अब सिस्टर ये बोलकर कि वो और भी जानकारी एकत्रित करेगी एस्टर के बारे में यहाँ से निकल जाती है। एस्टर मैक्स को लेकर ब्रिज के पास चली जाती है। कहती है हम उसको इतना डरा देंगे कि वो कभी भी वापस आने के लिए नहीं सोचेगी। अब जैसे ही कार नजदीक आती है एस्टर मैक्स को कार के आगे धक्का दे देती है। कार मैक्स को हिट करते करते थोड़ी सी बचती है और जाकर क्रैश हो जाती है। एबिगेल मैक्स का हालचाल पूछने के लिए आती है। तभी एस्टर पीछे से एक हथौड़ी से उसके सर पर हमला करती है और मैक्स से कहती है एबिगेल को रोड से हटाने में मेरी मदद करो। ये यहीं से सिस्टर को नीचे गड्ढे में धकेल देते हैं। हम देखते हैं कि ये अभी भी जिंदा है तो एस्टर इसके पास आती है और इसका काम तमाम कर देती है। अब एस्टर और मैक्स ट्री हाउस में जाती है जहाँ पर ये खून से सने हुए कपड़े और हथौड़ी को छिपाती है। कहती है अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें भी मेरे साथ जेल होगी क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। डैनियल इन दोनों को ट्री हाउस से नीचे आता देख लेता है। एस्टर भी डैनियल को देख लेती है। इसी रात एस्टर एक धारदार चाकू लेकर डैनियल के गले पर रख देती है। पूछती है तुमने क्या देखा। डैनियल कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, पर एस्टर इसका मूत निकलते हुए देख लेती है। अब ये लोग एस्टर को डॉक्टर ब्राउनी द थेरेपिस्ट के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर कहती है उस लड़की के साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि केट ही प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। कहती है केट एक बुद्धू किस्म की माँ है, ये अपने उस खोए हुए बच्चे के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही है, इसका ज्यादा पीना भी इसका एक रीजन हो सकता है। जॉन डॉक्टर ब्राउनी की बात से एग्री हो जाता है। अब ये लोग घर आते हैं जहाँ पर केट के पास ऑर्फनेज से कॉल आती है कि सिस्टर एबिगेल कल के बाद से अभी तक ऑर्फनेज वापस नहीं आई है। पुलिस छानबीन करती है, उन्हें सिस्टर की बॉडी मिल जाती है। ये केट और जॉन से पूछताछ करते हैं। ये कहते हैं हमें नहीं लगता कि किसी भी नन की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। केट गूगल पर सर्च करती है डिस्टर्ब बच्चों के बारे में और इसे जो जानकारी प्राप्त होती है उसे वो जॉन को दिखाती है। जॉन इसकी बात से
डिसएग्री होता है क्योंकि वो डॉक्टर ब्राउनी की बात से एग्री था। केट कहती है इसके बाद मैं डॉक्टर ब्राउनी से कभी नहीं मिलूंगी क्योंकि वो बजरभंड है। अब केट रशिया में एस्टर के ऑर्फनेज में कॉल करती है ये पता करने के लिए कि वो किस तरह की संगत में रहती थी, किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती थी। इसी दिन जॉन एस्टर के कमरे में जाता है इसे डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए, लेकिन ये मना कर देती है, कहती है मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहती। इसका डेंटिस्ट के पास ना जाने का रीजन आप लोगों को बाद में पता चलेगा। अब स्कूल की छुट्टी थी तो ये पूरे दिन बैठकर पेंटिंग करते हैं, जहां पर एस्टर बताती है कि केट मुझे पसंद नहीं करती। जॉन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मम्मी को प्यार दिखाने के लिए कुछ सरप्राइज क्यों नहीं देती, वो खुश हो जाएगी। अब जब केट घर आती है तो एस्टर उसे सरप्राइज देती है, ये वही फूल है जो केट ने अपनी बेटी की राख और अस्थियों पर उगाए थे जो कि इसने जानबूझकर काटे हैं। केट ये देखकर परेशान हो जाती है और इसे पकड़कर खींचती है। जॉन कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको इस बारे में नहीं पता था। केट कहती है नहीं उसे सब पता था, उसने ये जानबूझकर किया है, उसे पता था इन फूलों का मेरे लिए क्या महत्व है। इसी रात एस्टर गैराज में जाकर अपना हाथ तोड़ लेती है और जोर जोर से जॉन को पुकारती है, कहती है डैडी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसे पता चलता है कि इसका हाथ टूट चुका है, जिसे वो हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अब केट जब अपने बेडरूम में आती है तो एस्टर वहाँ पर पहले से मौजूद थी। जॉन कहता है तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। केट कहती है मैंने तो उसका हाथ जोर से पकड़ा भी नहीं था। अब जॉन इसे नीचे सोफे पर सोने के लिए कह देता है। अगले दिन केट बच्चों को लेकर स्कूल जाती है, जहां डैनियल के बैग से बुक गिर जाती है। केट इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एस्टर कार को ड्राइव मोड पर लगा देती है जिसमें मैक्स अभी भी मौजूद थी। केट कार के पीछे दौड़ती है उसको रोकने के लिए, फिर कार जाकर बर्फ से टकरा कर रुक जाती है, मैक्स सुरक्षित थी। घर आने पर एस्टर मैक्स से कहती है अगर तुमने कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी मोम को गोली मार दूंगी। आगे डैनियल अपनी छोटी बहन मैक्स के रूम में जाता है, जहां पर वो सिस्टर एबिगेल के बारे में बताती है। पूछता है तुम लोग उस दिन ट्री हाउस में क्या कर रहे थे। मैक्स इसको सब कुछ बताती है। एस्टर इन दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। अगले दिन केट एस्टर के कमरे की छानबीन कर रही थी, जहां पर उसे एस्टर की छुपाई हुई बाइबल मिलती है जो कि सारने इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की थी। ये तभी गूगल पर सर्च करती है, इसे वहां का हेल्पलाइन नंबर मिलता है। ये कॉल करती है, जहां पर इसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है, ना कि कोई ऑर्फनेज। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल अपने ट्री हाउस में जाता है, एस्टर भी वहां पहुंच जाती है। वो एविडेंस पर तेल छिड़क कर आग लगा देती है और जलते हुए ट्री हाउस में डैनियल को लॉक करके बाहर आ जाती है। डैनियल हेल्प के लिए अपनी मोम को आवाज लगाता है, पर इसकी मोम तो एस्टर की छानबीन करने में बिजी थी। डैनियल छत पर चढ़ जाता है और हेल्प के लिए रोने लगता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो आकर सीधा नीचे गिरता है। एस्टर एक पत्थर उठाती है जिससे ये डैनियल का काम तमाम करने ही वाली थी, तभी मैक्स धक्का देकर उसे अपने भाई से दूर हटा देती है। इससे पहले कि एस्टर कुछ और कर पाती, केट यहाँ आ जाती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि उसके गले में गंभीर चोट आई है और उसको कुछ भी याद नहीं है। केट जॉन से कहती है ये सब करा धरा एस्टर का ही है, जहाँ भी ये होती है वहाँ कुछ ना कुछ बुरा हमेशा होता है। एस्टर मौका पाकर डैनियल के रूम की तरफ बढ़ती है और तकिए से इसका दम घोटती है। जब इसको लगता है कि इसका राम नाम सत्य हो गया है, तभी अलार्म बजता है। ये सभी लोग डैनियल के रूम की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ पर डॉक्टर डैनियल को एक बार फिर से बचा लेते हैं। केट को लगता था कि ये सब एस्टर ने किया है, वो जाकर उसके मुंह पे एक बढ़िया सा घुसंड पिलाती है। डॉक्टर इसको शांत करने के लिए बेहोशी का इंसुलिन देते हैं। केट को होश आता है और ये जॉन से डैनियल के बारे में पूछती है, कहती है मैक्स को एस्टर के पास मत छोड़ना। इस रात जॉन मैक्स को सुलाने के लिए जाता है। मैक्स अपनी कान की मशीन को टेबल पर रख देती है। एस्टर जब इसको गुड नाइट बोलने के लिए आती है तो वो इसकी कान की मशीन को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। जॉन अपने लिविंग रूम में जाता है और पूरी की पूरी बोतल पी जाता है। एस्टर एक नंबर की लुभावनी ड्रेस पहनकर बार डांसर बनकर जॉन के पास आती है। जॉन को ये समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। एस्टर जॉन को किस करने लगती है, कहती है मेरा सबसे ये कहना है सरसों का तेल नीचे सिस्टम पर लगाकर रखना है, तेल को ना तुम बर्बाद करो, सदा सिस्टम रगड़वाने की बात करो। कहती है मैं आपसे अपना सिस्टम रगड़वाना चाहती हूँ, मैं आपसे उसी तरह से प्यार करती हूँ जैसे आप और केट प्यार करते हो, वैसा ही प्यार जैसा आप उस रात किचन में कर रहे थे। जॉन इस पर चिल्लाता है और इसको
रूम में जाने के लिए कहता है। एस्टर कहती है, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे कि मैं कोई बच्ची हूँ। जॉन कहता है, मैं कल ऑर्फनेज वालों को तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा। एस्टर अपने रूम में जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट के पास सारने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर की कॉल आती है। ये वही पागलखाना है जिसने ये बाइबल प्रिंट की थी। केट की भेजी हुई फोटो ये पहचान लेता है। कहता है, वो बच्ची नादान नहीं है, दबी उसकी पहचान हुई है, छाती उसकी चिपकी हुई है, बुद्धि उसकी सटकी हुई है। 35 साल की औरत बच्ची बनी हुई है, हार्मोन डिसऑर्डर नाम की बीमारी उसको लगी हुई है। कहता है, जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकल जाओ और पुलिस को कॉल करो। वो कोई बच्ची नहीं है, उसको हार्मोन डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है जिससे बीमारी से ग्रस्त लोग बच्चों की तरह दिखते हैं। वो 35 साल की एक अडल्ट वुमन है जो कि हमारे पागल खाने की सबसे हिंसक पेशेंट थी। क्या तुमने उसके गले और हाथ पर चोट के निशान देखे? केट कहती है, नहीं। दरअसल एस्टर अपने निशान इस कुत्ते के पट्टे और हाथ के छल्ले के नीचे दबा कर रखती थी। इसी वजह से ये उस दिन स्कूल में जोर जोर से चिल्लाने लगी थी ताकि कोई इसकी सच्चाई ना जान ले। डॉक्टर बताता है, उसने अभी तक 7 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है अपना सिस्टम रगड़वाने के चक्कर में। बच्ची समझकर अगर कोई उसका सिस्टम नहीं रगड़ता तो उसको गुस्सा आ जाता है जिससे वो खून खच्चर पर उतर आती है। केट हॉस्पिटल से घर के लिए दौड़ती है। हम एस्टर को देखते हैं, वो अपने दांत निकालती है। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डॉक्टर के पास जाने से क्यों मना कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर इसके दांत देखकर समझ जाता कि ये दांत बच्चों के दांत नहीं है और ये पकड़ी जाती। एस्टर अब रूम में तोड़फोड़ मचाने लगती है। जब ये अपना मेकअप रिमूव करती है तब इसकी हकीकत हम ऑडियंस के सामने आती है। केट लैंडलाइन पर कॉल करती है। इससे पहले कि जॉन फोन उठाता घर की लाइट काट दी जाती है। केट पुलिस के पास कॉल करती है। जॉन जब लाइट चेक करने के लिए जाता है तो एस्टर अपना खंजर इसके शरीर में घोप देती है और तब तक खंजर मारती है जब तक कि इसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। एस्टर मैक्स को देखती है और इसका भी काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ती है। केट अपनी कार को घर में ही घुसा देती है और जॉन को इस हालत में देखती है। अब उसे मैक्स की फिक्र होती है तो वो उसे ढूंढने में लग जाती है। तभी अचानक एस्टर इस पर गोली चलाती है। केट खिड़की से बाहर आकर छुप जाती है जिससे एस्टर इसको ढूंढ नहीं पाती। मैक्स जाकर गार्डन में छुप जाती है। एस्टर भी उसके लिए वहां पहुंच जाती है। केट ऊपर ग्लास रूफ पर होती है। एस्टर एक बार फिर से केट पर गोली चलाती है और मैक्स पर भी गोली चलाती है। तभी केट कांच तोड़कर इसके ऊपर कूद जाती है जिससे ये यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। मैक्स अपनी मदर को उठाती है। केट गन को उठाकर अपने अड़ोसे में लगाती है। अब ये एस्टर को यहीं छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है पर इनको एस्टर यहां नहीं मिलती। अचानक से एस्टर चाकू लेकर केट और मैक्स की तरफ दौड़ती है जिससे ये दोनों जमी हुई झील पर जाकर गिरते हैं। एस्टर केट को मारने वाली ही थी तभी मैक्स गन उठाकर बर्फ पर गोली चलाती है जिससे बर्फ टूट जाती है और ये दोनों पानी में गिर जाती है जहाँ पर ये पानी में भी लड़ाई करने लगती है। केट एस्टर को बढ़िया से कूटती है और पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हम सबको लगता था कि एस्टर का काम तमाम हो गया है। तभी एस्टर इसके पैर को पकड़कर कहती है, मम्मी प्लीज मुझे मरने मत दो। केट कहती है, कमीनी तेरा नाम एस्टर नहीं आस्तीन होना चाहिए था और मैं तुम्हारी मोम नहीं हूँ। ये इसके मुंह पर एक बढ़िया सी दुलत्ती मारती है जिससे इसकी गर्दन टूट जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।